क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम नैना पाल। पाल मैडम, ये आज जो आप विकास खंड रामनगर में आए हैं एक शिकायत को लेकर रोजगार सेवक की, क्या कुछ मनरेगा में घोटाला चल रहा है जो आप यहाँ पर आई हो, और आपका पद क्या है? क्या आप आम नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, या आपका कोई पद है? जी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यालय मंत्री के पद को पोस्टेड हूँ और महिला मोर्चा में हूँ। महिला मोर्चा में है। ये जो आपने आवाज़ उठाई है सरकार के हित में, जनहित में और सरकार के हित में, राष्ट्र के हित में, ये मामला कब से चला रहा है? जो रोजगार सेवक ये पैसा घोटाला कर रहे हैं, सरकारी पैसे का धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, कब से चला रहा है? सर चल तो यानी 2008 से ही रहा है, लेकिन हमारी संज्ञान में अभी 2021 से और 22 से ही आया है। अब तक कुछ कार्रवाई विभागीय स्तर से अमल में लाई गई या नहीं लाई गई? 3 बार जांच करने हमारे अधिकारी गण गए थे रामनगर ब्लॉक में। अब उनने जांच में क्या लिखा है इसका अभी स्पष्टीकरण हमें नहीं मिला। किसी तरह की कोई रिकवरी आज तक नहीं हुई? नहीं। ये घोटाले का, मनरेगा में घोटाले का प्रकरण बदस्तूर जारी है। मैंने टीसी मनरेगा से आपको भी यानी कहा था जाके, उनसे भी मैं शिकायत करके आई तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि मैं 6 दिन बाद आपके यहाँ पे आकर जांच करूँगा जी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया, कुछ भी कार्रवाई नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम नैना पाल। पाल मैडम, ये आज जो आप विकास खंड रामनगर में आए हैं एक शिकायत को लेकर रोजगार सेवक की, क्या कुछ मनरेगा में घोटाला चल रहा है जो आप यहाँ पर आई हो, और आपका पद क्या है? क्या आप आम नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, या आपका कोई पद है? जी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यालय मंत्री के पद को पोस्टेड हूँ और महिला मोर्चा में हूँ। महिला मोर्चा में है। ये जो आपने आवाज़ उठाई है सरकार के हित में, जनहित में और सरकार के हित में, राष्ट्र के हित में, ये मामला कब से चला रहा है? जो रोजगार सेवक ये पैसा घोटाला कर रहे हैं, सरकारी पैसे का धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, कब से चला रहा है? सर चल तो यानी 2008 से ही रहा है, लेकिन हमारी संज्ञान में अभी 2021 से और 22 से ही आया है। वैसे अब तक कुछ कार्रवाई विभागीय स्तर से अमल में लाई गई या नहीं लाई गई? 3 बार जांच करने हमारे अधिकारी गण गए थे रामनगर ब्लॉक में। अब उनने जांच में क्या लिखा है इसका अभी स्पष्टीकरण हमें नहीं मिला। किसी तरह की कोई रिकवरी आज तक नहीं हुई? नहीं। ये घोटाले का, मनरेगा में घोटाले का प्रकरण बदस्तूर जारी है। जी, मैंने टीसी मनरेगा से आपको भी यानी कहा था जाके, उनसे भी मैं शिकायत करके आई तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि मैं 6 दिन बाद आपके यहाँ पे आकर जांच करूंगा जी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया, कुछ भी कार्रवाई नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।